Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 20B. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 20B का, दैट इज मेंसुरेशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग. ये मान लीजिए ग्रासी प्लॉट है रेक्टेंगल शेप में, उसकी लेंथ दे रखी है 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड. 60 मीटर उसकी विड्थ दे रखी है. इट वो हैज अ पाथ ऑफ 2 मीटर ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड. इनसाइड बोला हुआ है तो इनसाइड में उसके एक और प्लॉट पाथ है, तो इसके पाथ 2 मीटर है. ओके फ्रेंड्स, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. हमें इस पाथ का एरिया निकालना है और उसको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट निकालना है. तो फ्रेंड्स, ये एरिया कैसे निकलेगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. अगर ये फ्रेंड्स यहां से यहां तक की लेंथ 75 मीटर है, तो ये लेंथ कितनी हो गई? 75 माइनस 2 माइनस 2. लेट्स सी हाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होती है. लेंथ क्या दे रखी है? 75 और ब्रेथ दे रखी है 60 मीटर. तो एरिया क्या हो गया? 75 इंटू 60, दैट इज 0. 6 5 30, 6 7 42, प्लस 3 is 4500 मीटर स्क्वायर. नाउ अब हमें इनसाइड की इनसाइड का लेंथ निकालनी है. तो लेंथ कैसे निकली? आउटर जो बाहर दे रखी थी लेंथ 75 माइनस 2 माइनस 2. फ्रेंड्स, माइनस 2 माइनस 2 दो बार इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे भी 2 मीटर का पाथ है और यहाँ पे भी 2 मीटर का पाथ है. तो 2 + 2 = 4 से पूरी में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारी इंटरनल लेंथ आ जाएगी. तो ये आ गई 71 मीटर. सिमिलरली ब्रेथ, ब्रेथ हमारी ये है 60. उसमें से हम यहाँ के 2 मीटर पाथ और यहाँ का 2 मीटर पाथ माइनस कर देंगे 2 - 2, दैट इज 56 मीटर. तो हमारी क्या आ गई है? इंटरनल ब्रेथ. अब इंटरनल एरिया, इंटरनल एरिया इज इंटरनल लेंथ इनटू इंटरनल ब्रेथ. इंटरनल लेंथ क्या हुई? 71 मीटर और इंटरनल ब्रेथ कितनी हुई? 56 मीटर. तो ये आ गया 71 × 56. 6 1 = 6, 6 7 = 42, 5 1 = 5, 5 7 = 35, 6 7 9 3, ये आ गई 3976 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया. एक्सटर्नल एरिया कितना आया हमारा? एक्सटर्नल आया 4500 मीटर स्क्वायर और इंटरनल एरिया आया 3976. तो ये कितना आ गया? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 9 गया 5 मीटर स्क्वायर. अब हमें कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग निकलेगी एरिया ऑफ पाथ इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ पाथ क्या हुआ? 524 और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 125.
तो ये कितना आ गया, लेट्स सी, 524 × 125, 5 4s are 20, 5 2s are 10 11 12, 5 5s are 25 26, 2 4s are 8, 2 2s are 4, एंड 2 5s are 10, 4 2 5. तो ये कितना आ गया, 0 8 2 10, 14 15, कैरी 1 5 एंड 6 रुपीस, 6 5 5 00 इज द आंसर. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 20B, जिस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन. क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका मेजरमेंट दे रखा है 95 मीटर बाय 72 मीटर. इनसाइड द प्लॉट अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, इसके अंदर एक पाथ बना रखा है, ये एक पाथ है, ये पाथ है जिसकी विड्थ है 3.5 मीटर. राइट फ्रेंड्स, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड, द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज टू बी लेड विद ग्रास. यहाँ पे ग्रास लगानी है. फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट ₹80 per meter square. इस पाथ कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट है 80 per meter square और ग्रास कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट है 40 per meter square. राइट फ्रेंड्स, नाउ लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 95 मीटर और ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 72 मीटर. तो एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ. पहले हम इधर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तब यह एरिया आएगा. तो ये हो गया 95 × 72. तो क्या आया ये, 95 × 72, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 19, 7 5s are 35, 7 9s are 63, 66, 0 14, 6 7 8 and 6. ये आ गया 6 8 4 0 meter square. राइट फ्रेंड्स, नाउ विड्थ ऑफ पाथ दे रखी है हमें 3.5 मीटर. राइट फ्रेंड्स, तो इंटरनल लेंथ कितनी हो गई, इंटरनल लेंथ, आउटर लेंथ दैट इज 95 माइनस 3.5 -3.5, इधर का 3.5 और इधर का 3.5, क्योंकि विड्थ सेम है इसकी पाथ की हर जगह से, तो इधर से 3.5 और इधर से 3.5 लेस हो गया. तो ये आ गया 95 -7, तो ये आ गया 15 में से 7 गए 8, 88 मीटर इंटरनल ब्रेथ. इंटरनल ब्रेथ भी ऐसी ही निकलेगी, 72 -3.5 -3.5, तो ये हो गया 72 -7, तो ये आ गया 12 में से 7 गया 5, 65 मीटर. तो एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ इंटरनल प्लॉट इक्वल्स टू लेंथ इन टू ब्रेथ. लेंथ इंटरनल की कितनी है 88 और एक्सटर्नल की वो ब्रेथ है 65. तो एरिया कितना आ गया, 88 × 65, 5 8s are 40,
फाइव एट जो 40, 44, सिक्स एट जो 48, सिक्स एट जो 48, 52, तो ये आ गया 0, 12, 7 एंड 5, 5720 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, राइट फ्रेंड्स। आउटर एरिया हमारा क्या निकल के आया था, 6840 मीटर स्क्वायर, और इनर एरिया 5720। तो पाथ का एरिया कितना हुआ, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1 मीटर स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एंड लेइंग द ग्रास। तो टोटल एक्सपेंस क्या हुआ हमारा, टोटल एक्सपेंस क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ पाथ इंटू कॉस्ट ऑफ पाथ प्लस एरिया ऑफ ग्रास इंटू कॉस्ट ऑफ ग्रास, लेइंग ग्रास, तो एरिया ऑफ पाथ क्या है 1120, कॉस्ट ऑफ पाथ क्या है 18 पर मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ग्रास, फ्रेंड्स जो इनर एरिया आया है उस पर ग्रास उगानी है, तो ये वाला एरिया जो आया है ये वाला 5720 इंटू कॉस्ट कितनी दे रखी है 40 पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये दो जीरो एज इट इज लग जाएंगी, 8 2 16, 8 1 8 9, 8 1 8 प्लस ये दो जीरो एक साथ लग गई, 4 2 8, 4 7 28, 2 कैरी, 4 5 20 एंड 22, तो ये कितना आ गया 20, 6 + 8 = 14, कैरी 1, 10 and 8 = 18, कैरी 1, 9, 10 11, कैरी 1, 3 rupees is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.